हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मॉर्निंग के सुबह 6:41 हो रहा है, जो कि आप लोगों ने मिर्ज़ापुर नहीं देखा होगा तो देख लो। मैं तो देख रहा था क्योंकि आज मेरे को दिल्ली से पटना जाना है और लास्ट के कुछ एपिसोड बचा हुआ था, तो मैं सोचा देख लूँ। तो लास्ट का कुछ एपिसोड बचा हुआ है और मेरा रात को जो ट्रेन है 11:40 पे है बिल्कुल, तो ओल्ड दिल्ली से। तो गाइस, फाइनली मिर्ज़ापुर ख़त्म हो गया है, लास्ट के एक एपिसोड बच गया। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था और ख़त्म हो गया, ठीक था, पर सस्पेंस रह गया। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तीसरा पार्ट आए उसका, कब तीसरा सीज़न आए तो देखूँ, और मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ भूल रहा था, क्या चीज़ भूल रहा था, मेरे को चार्ज में लगाना था पावर बैंक, ट्रिमर और मेरा रियलमी का वॉच, जो मैं चार्ज में लगा देता हूँ। और ये ऑलरेडी चार्ज है 92%, कोई बात नहीं, फिर भी मैं 100% कर लेता हूँ, फिर मेरे को चार्ज करने का टाइम मिले ना मिले। जो कि मैं तीनों चीज़ 100% हो गया है, या रियलमी वॉच, ट्रिमर और मेरा पावर बैंक, जो कि 100% हो गया। अब इसको पैक करने, तो फाइनली सारा बैग पैक हो गया है। अब भी 5:40 PM हो रहा है, तो मुझे 8 PM निकलना है। तो गाइस, मैं मेट्रो में आ चुका हूँ और बस मेट्रो के अंदर जाना है अभी, तो मेट्रो में चल के मिलते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ से कश्मीर गेट जाऊँगा, कश्मीर गेट से चांदनी चौक, और मैं मेट्रो में आ गया हूँ और मेट्रो पूरा खाली खाली है। बाइक और बहुत फील हो रहा है। 8:12 PM हो रहा है, बट इतने टाइम में सब काम पे से वापस आते हैं, जॉब से वापस आते हैं, और हमेशा मेट्रो फुल रहता है। बाई गॉड, इस टाइम देख के पूरा मेट्रो खाली है कसम से। तो गाइस, मैं पुरानी दिल्ली आ चुका हूँ और मेरा 11:40 पे ट्रेन है, जो अभी 9:08 हो रहा है, तो अभी वेट करना होगा काफ़ी। और मैं जल्दी आ गया था ट्रैफिक के सोच के, बट COVID-19 के वजह से कोई ट्रैफिक तो है नहीं, कोई नहीं, वेट कर लेंगे। और ऐसे भी इस टाइम ठंड के मौसम है तो जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से आ जाएंगे। और गाइस, ये यहाँ पे ना हमेशा एकदम रेड कलर की लाइट जलता था, इतना मस्त लगता था देखने में रात को, बट अब पता नहीं क्यों लाइट बंद कर रखा है, और COVID-19 की वजह से शायद बंद होगा। बहुत प्यारा लगता था रात को ये, सीरियसली। मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ से पिक, किसी कितना मस्त पिक आता था यहाँ पे, बाय गॉड कसम से। तो चलो, अपने हम प्लेटफॉर्म नंबर पे चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं, एंट्री ले लेते, क्या फ़ायदा बाहर रह के, प्लेटफॉर्म पे से बात करते हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आ गया, और भाई बोल ले तू पहले। तो प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया हूँ और ये बोलते रहते बीच में, क्या कर सकते कुछ नहीं। और अभी 9:21 PM हो रहा है, और अभी से करीब 1.5 घंटे बाकी है, पूरा 1.5-2 घंटे बाकी है, तो अभी वेट करना पड़ेगा, जगह भी नहीं खाली कहीं पे जो बैठा हूँ। तो सो गाइस, मेरा ट्रेन आ गया है और टाइम 10:05, बहुत जल्दी ट्रेन आ गया समय से पहले। कोई नहीं, वैसे भी थका हुआ था, वेट करते हैं यहीं पे लेट के। तो गाइस,
पूरा ट्रेन खाली है, इसलिए शायद खाली है। मेरे नीचे के कोच में भी कोई नहीं है, मेरा ऊपर का सीट है, कोई बात नहीं, आराम से लेट के जाएंगे। तो गाइस मैं ऊपर से नीचे आ गया बस ऐसे बैठने के लिए। अभी एक भाई साहब आए और अपना लगेज रख के गए, और मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बैठना है और बस टाइम पास हो जाए। ट्रेन आ गया समय पे, बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार, और मैं नर्वस हूँ थोड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं अकेला जा रहा हूँ, वो भी इतना लंबा, कभी गया नहीं ना। तो गाइस आपने आवाज़ तो सुनी दिया यार, वो बंदा सोने नहीं दे रहा, पूरा कोच को उसने अपने सर पे उठा रखा है, इतना खराटा ले रहा है। उस बंदे को मैंने कितने बार बोला भाई उठ ले, उठ ले, हमें भी सोने दे। रात को 2:20 हो रहा है, बंदा सोने नहीं दे रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात जग के ही बिताना पड़ेगा, बंदा सोने नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 9:30 हो रहा है, तो अभी मैं सो के उठा हूँ और मैं आके सो जाऊँ, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया। तो कॉफ़ी लिया, बहुत ही प्यारा है, और इसको पी लेता हूँ। और ये भाई साहब उठ के, ये वाले भाई साहब है, ये सोने नहीं दिया पूरी रात, अभी उठ के बैठे तो थोड़ा सोया था, फिर तुरंत उठ गया मैं, क्योंकि अभी 4-5 स्टॉपेज बजे, उसके बाद उतरना है मुझे, तो इसलिए मैं उठ गया। चलो अब पटना स्टेशन पर मिलते हैं। पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस यहीं तक था और पटना जंक्शन आ गया हूँ, फिर ऐसे किसी नए ब्लॉग में मिलते हैं। तो बाय बाय, गुड बाय।